अच्छा जी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे हमारी डिस्कशन चल रही थी और पास्ट पेपर क्वेश्चन हम देख रहे थे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 7 को डिस्कस किया था, तो कोई मसला मैं साहिल कल की डिस्कशन से, कल जो क्वेश्चन डिस्कस किए उनसे, एक असाइनमेंट में क्वेश्चन मिला, उसमें कोई आपके लिए कोई इशू, कोई गाइडेंस चाहिए आपको किसी कैलकुलेशन पे? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक क्वेश्चन हम और देखेंगे और फिर जो लास्ट जो एरिया है हमारा इस चैप्टर का उस पर भी हम बात करेंगे। बाकी क्वेश्चन इस चैप्टर में हैं वो आपकी होम असाइनमेंट में रहेंगे। हर रिवीजन के साथ 2-3-4 क्वेश्चन आप अनसीन करना चाहेंगे, जैसे आपको मैंने एक बताया हुआ करने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 8, हॉकी पाकिस्तान लिमिटेड, ऑटम 18। क्वेश्चन 4, कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सप्लायर ऑफ 80 हैज ऑफर्ड डिस्काउंट ऑफ 5% क्वांटिटी पर ऑर्डर इज इंक्रीज टू 120,000 केजीज, एडवाइज वेदर HPL शुड एक्सेप्ट द डिस्काउंट ऑफर, डिस्कस एनी 3 प्रैक्टिकल लिमिटेशन ऑफ यूजिंग द EOQ मॉडल। तो ये 3 नंबर का थ्योरी डिस्कर्सिव क्वेश्चन है, बाकी 2 न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट बड़ी स्टैंडर्ड ही है, EOQ कैलकुलेट करना और डिस्काउंट ऑफर को वैल्यूएट करना, हम इसे काफी हद तक फेमिलियर है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। Hockey Pakistan Limited, HPL, is engaged in manufacturing of a single product H2. Ye single product H2, which requires a chemical AT. Presently, HPL follows a policy of placing bulk order of 60,000 kgs of AT. However, HPL's management is presently considering to adopt EOQ for determining the size of purchase order of AT. Following information is available in this regard. Annual production of H2 is 45,600 units. Production is evenly distributed throughout the year. Each H2 requires 10 kg of AT. Cost of AT is 200 per kg. 5% of the quantity purchased is lost during storage. Jitna AT khareedte ho, 5% of that is lost. Annual cost of procurement department is 268,800. 65% of the cost is variable. It is stored in a third party warehouse at a cost of ₹6.25 per kg per month. HPL cost of financing is 8% per annum. ये जी डेटा है और हमारी पहली रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो जनाब, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किस के लिए निकालनी है हमने? रॉ मटेरियल एटी के लिए। तो एटी के लिए हमें ईओक्यू डिटरमिन करना है, तो उसके हिसाब से फिर हम फार्मूला और फिर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 8, EOQ। ये जनाब हमारे पास पेज 141 पे है क्वेश्चन। टू COD ओवर CH, तो CO के लिए वर्किंग 1, D के लिए वर्किंग 2 और CH के लिए हम वर्किंग 3 करते हैं। यहां से वैल्यूज लेके आते हैं। वर्किंग 1 CO, हमें बताया गया है कि हमारा जो एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट 2688 है, जिसमें से 65% कॉस्ट वेरिएबल है। कल भी हमने ये केस हैंडल किया था, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड कर दें तो कॉस्ट पर ऑर्डर आ जाती है। तो वेरिएबल कॉस्ट तो हमें मिल गई 2688000 का 65%, ये वेरिएबल कॉस्ट है। अब नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ ईयर, साल में कितने ऑर्डर हम प्लेस करते हैं जी, साल में हम कितने ऑर्डर प्लेस करते हैं? दैट इज नॉट अवेलेबल। एनुअल डिमांड ओवर 60,000, ऑर्डर साइज अवेलेबल है। इसके लिए हमें डी निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि ऑर्डर साइज आपका होता है डी ओवर नंबर ऑफ ऑर्डर होते हैं डी ओवर ऑर्डर साइज। तो ये ऑर्डर साइज हमें अवेलेबल है, डी मिसिंग है। तो डी के लिए हम वर्किंग 2 बना रहे हैं, हम वर्किंग 2 पे जाते हैं डी डिटरमिन करने। हमें बताया गया है हमने फिनिश गुड्स बनानी है 45,600 यूनिट्स, हर यूनिट में 10 kg AT रिक्वायर्ड है। ये जहां हमारी AT की कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट आ गया, ऐसे इतना AT हमें कंज्यूम करना है, लेकिन हमें तो D चाहिए होता है जो हमने खरीदना है।
तो उसके बारे में उसने बताया है कि 5% ऑफ द क्वांटिटी परचेज इज लॉस्ट ड्यूरिंग स्टोरेज. इसका मतलब जो हम कंज्यूम करते हैं वो परचेजेस का 95% होता है. हम 100 kg खरीद के अपने स्टोर में रखते हैं, 5 kg ड्यूरिंग स्टोरेज लूज हो जाता है, 95 बाकी बचता है फॉर कंजम्पशन. तो ये जनाब 95% है परचेजेस का. अगर ये 95 है तो 100 क्या है? 480,000 kg. ये जी हमारा क्वांटिटी टू बी परचेज आ गई. ये क्वांटिटी टू बी कंज्यूम से क्वांटिटी टू बी परचेज पे हम पहुंचे. तो एनी क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं यहां तक? क्वांटिटी टू बी परचेज आपके पास है 480,000 kg. अब यहां से आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स से डिवाइड करेंगे. एनुअल वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड विद नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर 218,400. दिस इज कॉस्ट पर ऑर्डर. कॉस्ट पर ऑर्डर हमारी कैसे आई? वेरिएबल परचेज, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट डिवाइडेड विद करंट नंबर ऑफ ऑर्डर्स. करंटली हम 480,000 रॉ मटेरियल खरीदते हैं और 60,000 का ऑर्डर करते हैं. सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स 480,000 डिवाइडेड 60 है और वेरिएबल कॉस्ट से जब डिवाइड किया हमारी कॉस्ट पर ऑर्डर 218,400 है. वर्किंग 3CH. CH हमारी होती है जी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर. इस केस में होल्डिंग कॉस्ट पर केजी पर ईयर. हमें उसने बताया भाई एक तो है स्टोरेज कॉस्ट, वेयर हाउस कॉस्ट जो कि पर केजी है. तो जनाब पर केजी पर मंथ है 6.25 × 12. ये स्टोरेज कॉस्ट होगी पर ईयर. और फिर एक फाइनेंस कॉस्ट भी है नोट नंबर 5 है. और फाइनेंस कॉस्ट हम अप्लाई करते हैं कॉस्ट ऑफ द मटेरियल पे. तो 200 पर केजी कॉस्ट है और फाइनेंस कॉस्ट 8% है. तो जनाब ये पर आईएनएम है ऑलरेडी 91 rupees पर केजी पर ईयर. ये आपकी सीएच भी आ गई थी. जेनी क्वेश्चन, किसी वैल्यू की डिटर्मिनेशन में कोई सवाल? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला की एप्लीकेशन, जो तीन कंपोनेंट्स इसमें यूज होते हैं सीओ डी सी एच, उन तीनों की कैलकुलेशन हमने यहां पे की क्वेश्चन से डाटा पिक करके. सो अगर हम फीड करें 218,400, 480,000 and 91. सो व्हाट इज ईओक्यू? 48,000 kg. ये जो हमारा ईओक्यू है यहां पे पार्ट ए. एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड ऑर्डर साइज विच विल मिनिमाइज द टोटल ऑफ एनुअल ऑर्डरिंग एंड एनुअल होल्डिंग कॉस्ट. सिक्स मार्क्स का यह क्वेश्चन है ईओक्यू का. इसकी की हमारे पास अवेलेबल है ऑटोमेटिंग क्वेश्चन 4 पार्ट ए पेज 594 पे. जरा मार्किंग की जरा देखिए, आपको स्टेप बाय मार्किंग का आइडिया पता लगे. उसने बताया वह है कि होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का एक नंबर है, एनुअल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने का 1.5 नंबर है. पेज 594 के लोअर हाफ में आंसर 4A4 आ रहा है. कॉस्ट पर ऑर्डर कैलकुलेट करने का 1.5 है और इस फॉर्मूले के यूज के 2 नंबर है. मतलब आपकी इनमें से अगर कोई एक वैल्यू गलत होती है, फॉर एग्जांपल आपका सीओ गलत आया, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी अगर अब गलत आ गई तो आपका 1.5 नंबर कटेगा, बाकी सारे नंबर आपको मिल जाएंगे. स्टेप बाय मार्किंग का मतलब यह है कि जो वैल्यू यहां पे नंबर किस तरह बटे हुए हैं, मैं आपके सामने अगर डालूं सीओ 1.5 है, 1.5 मार्क्स सीओ के हैं और डिमांड के 1.5 है, सीएच के 1 है और 2 मार्क्स इस फॉर्मूला के हैं. आप में से इसमें जो स्टेप आपकी गलती होगी सर उसके नंबर कटने हैं, बाकी नंबर आपको मिलते जाने हैं. ईओक्यू के इस आंसर के नंबर नहीं, इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज फीड करके कैलकुलेशन परफॉर्म करने के नंबर हैं. इनमें से कोई गलती है, ये गलत है 1.5 नंबर कट गया, ये गलत है 1.5 और कट गया, तो 3 फिर भी आ जाते हैं आपने सिर्फ. और अगर कुछ भी नहीं आता आपको इनमें से कैलकुलेट करना, आप सारी वैल्यूज अज्यूम करके डाल दो फिर भी 2 नंबर ले सकते हो. दिस इज एज ईजी मार्क्स स्कोर करना एग्जाम में. लेकिन प्रोवाइडेड आप सोच रहे हो उस अंदाज में, मार्किंग स्कीम को आपने पिक किया हुआ है और आपको बार बार मार्किंग स्कीम को देख के
उसके हिसाब से काम करने की आदत पड़ चुकी है, तो एग्जाम में मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान हो जाता है। जितने भी न्यूमेरिकल पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, वो R1 है, R2 है, कॉस्ट है, MFA है, टैक्स है, आदत बनाओ पास पेपर करते हुए मार्किंग स्कीम पे नजर डालने की, ताकि आप यूज टू हो जाओ, आपके जहन में अच्छी तरह बैठ जाए कि हमारे लिए स्टेप वाइज मार्क्स हैं, हमें स्टेप्स परफॉर्म करना जरूरी है। कोई एक स्टेप गलत हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सवाल नहीं करना, हमने करते जाना है, सवाल को कंप्लीट करना है, इस तरह जो आता है करें, जो नहीं आता उस पर टाइम वेस्ट ना करें। अच्छा जी, इसके बाद हम मूव करते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी इज अबाउट डिस्काउंट ऑफर वैल्यूएशन, और डिस्काउंट ऑफर वैल्यूएशन में हमने जो चीज सीखी हुई है कि हम दो कॉलम बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन दी जा रही हैं, एक हम EOQ ऑप्शन हमने बनाई है और एक ऑर्डर साइज जिस पे डिस्काउंट मिल रहा है, इन दो ऑप्शन को हमने कंपेयर करना है। और हमने जो बात सीखी हुई है कि हम इन दोनों ऑर्डर साइजेस के लिए, एक EOQ है 48,000 और एक 120,000 है जिस पे डिस्काउंट मिल रहा है, हम एनुअल कॉस्ट ऑफ परचेज, ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग, इन तीन का हम सम करते हैं, टोटल कॉस्ट देखते हैं और फिर बताते हैं कि टोटल कॉस्ट कहाँ पे सबसे कम है, उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे कि हमें EOQ फॉलो करना है या डिस्काउंट अवेल करना है। अच्छा जी, परचेज कॉस्ट, एनुअल डिमांड इनटू कॉस्ट पर यूनिट, 48,000 ऑर्डर करते हैं तो 200 पूरी पे करनी पड़ेगी, कितनी जी? 96 मिलियन। लेकिन अगर आप डिस्काउंट लेते हैं तो कितने परसेंट डिस्काउंट है? 5%। 96 मिलियन का 95% ले लीजिए, 91.2 मिलियन। टोटल कॉस्ट 200 पर केजी है, 480 इज योर एनुअल डिमांड इनटू 200। अगर आप डिस्काउंट नहीं लेते हैं तो आपकी सालाना कॉस्ट 96 मिलियन है, अगर डिस्काउंट लेते हैं तो 5% डिस्काउंट ऑफर हो रहा है, परचेज कॉस्ट का 95% ले लें तो हम प्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल डिमांड डिवाइडेड विद ऑर्डर साइज, पहले हम EOQ की बात करें, इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, वर्किंग वन में हमने निकाला हुआ है 28,400, ये वर्किंग वन से हमने फिगर ली भी है, कितनी आई जी? 218,400। और अगर हम बल्क ऑर्डर पर जाएं तो 480,000 डिवाइडेड विद 120,000 इनटू 218,400, 873,600। होल्डिंग कॉस्ट पे जब आते हैं तो हमें देखना पड़ता है कहीं बफर स्टॉक तो नहीं है क्वेश्चन में, तो ना क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक का जिक्र है, ना क्वेश्चन में रीऑर्डर लेवल का जिक्र है, इसका मतलब एवरेज इन्वेंट्री सिंपली ऑर्डर साइज बाय 2 इंटू CH, इस केस में तो 91 ही है, कितना जी? 218,400। लेकिन क्या ये होल्डिंग कॉस्ट 91 ही रहेगी जब हम डिस्काउंट अवेल करेंगे? द आंसर इज नो। हमने ये जो 91 यूज किया है ये वर्किंग 3 से लिया है, लेकिन जब हम डिस्काउंट अवेल करते हैं तो हमारी होल्डिंग कॉस्ट ये नहीं रहेगी, हमारा एवरेज स्टॉक 120,000 बाय 2 है और होल्डिंग कॉस्ट हमारी क्या होगी, उसके लिए वर्किंग 4 हम बना लेते हैं। वर्किंग 4 में हम CH दोबारा निकालते हैं तो ये तो 6.25 × 12 ही रहने वाला है, क्योंकि तो 6.25 पर केजी है, इसका ताल्लुक परचेज कॉस्ट से नहीं है, लेकिन यहां पे जो इंटरेस्ट है वो बदल जाएगा क्योंकि हमारी कॉस्ट 200 नहीं, 200 का 95% और अब उसका 8%। जी कितनी बनी जी? 90.20 पर केजी पर ईयर, ये है जी हमारी होल्डिंग कॉस्ट पर केजी पर ईयर। अगर हम डिस्काउंट लेते हैं, डिस्काउंट देंगे तो हमारी परचेज कॉस्ट बदल जाएगी, हमारी होल्डिंग कॉस्ट बदल जाएगी, 90.20 5,412,000 लीजिए जी। हमारे पास दोनों कॉस्ट कंप्लीट हो गई हैं, 100.36 8,000 97.48 5,000। हमसे पूछा गया क्या हमें डिस्काउंट देना चाहिए, तो व्हाट इज योर डिसीजन? यस, डिस्काउंट शुड बी अवेल्ड, क्योंकि डिस्काउंट अवेल करने से हमारी जो कॉस्ट है वो सालाना इन्वेंट्री रिलेटेड कम आ रही है।
अच्छा, इसका इसकी भी मार्किंग स्कीम अगर हम देखें तो जी बेटा ये आखिरी है, इसकी मार्किंग स्कीम देखें हम, नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड एवरेज इन्वेंट्री लेवल्स की कैलकुलेशन के दो नंबर हैं। मतलब यहां पे आपने ये नंबर ऑफ ऑर्डर कैलकुलेट किया, ये नंबर ऑफ ऑर्डर कैलकुलेट किया, ये एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट की, ये एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट की, ठीक है जी। मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे लिए, एनुअल डिमांड ओवर ऑर्डर साइज, एनुअल डिमांड ओवर ऑर्डर साइज, एवरेज इन्वेंट्री कैसे ली, ऑर्डर साइज ओवर टू, ऑर्डर साइज ओवर टू। उसने कहा जी इस चीज के दो नंबर हैं, रिवाइज्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट, रिवाइज्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये रिवाइज्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट है कहां पे, रिवाइज्ड होल्डिंग कॉस्ट है बेटा, रिवाइज होल्डिंग कॉस्ट है वो, उसका डेढ़ नंबर है वो तुमने ले लिया। परचेज कॉस्ट 200 गिवन है, कंक्लूजन आधा नंबर, माशाल्लाह हमारे एग्जामिनर की भी टैलेंट की मैं यहाँ पे दा दूंगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो रिवाइज हुई नहीं, तो पता नहीं किस चीज़ के नंबर को देना चाह रहा है, ठीक है। अब ये मार्किंग स्कीम में थोड़ी गड़बड़ है, बहरहाल हमने ये सवाल पूरा कर लिया। आप देख लीजिए ये जुमला लिखने का आधा नंबर है, सिर्फ ये जुमला लिखने का कि जी ये कॉस्ट कम है, डिस्काउंट शुड बी अवेल्ड। आपने जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म किया है, जुमला लिखोगे उसका नंबर मिलेगा। एनीवेज एक नंबर आपका इसका है, रिवाइज होल्डिंग कॉस्ट डेढ़ नंबर, रिवाइज होल्डिंग कॉस्ट का डेढ़ नंबर है। मुझे लगता है रिवाइज ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं, सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट, या ऑर्डरिंग कॉस्ट तो पिछले पार्ट में निकल आई थी ना, रिवाइज तो हुई नहीं, कॉस्ट पर ऑर्डर तो हमने पार्ट ए में निकाल ली हुई है, पता नहीं कि उसने दी हुई है। तो एनीवेज जी कोई क्वेश्चन, ये मार्किंग स्कीम में थोड़ी गड़बड़ है हमारी, लेकिन हमने पूरा सवाल अपनी लर्निंग के मुताबिक कम्प्लीट किया, डिसीजन भी दे दिया। और ये प्रेजेंटेशन भी आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में हर पार्ट आपको शायद नए पेज से करना होता है, ऐसा ही है। पार्ट ए एक पेज पे किया, सारा पेज नीचे खाली रहेगा, पार्ट बी दूसरे पेज पे जाएगा, और वर्किंग हमेशा आप नए पेज से शुरू करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने ये पार्ट क्वेश्चन देखा तो आपको नज़र आ रहा है इसके तीन पार्ट्स हैं, तो आपको पार्ट ए फर्स्ट पेज पे, पार्ट बी सेकंड पेज पे, पार्ट सी थर्ड पेज पे, और वर्किंग फोर्थ पेज पे शुरू करनी है आपने। तो ये प्लानिंग आपको जहन में होनी चाहिए कि हमें कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है। आप प्रेजेंटेशन भी एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक नहीं करते हैं तो कोई ना कोई पेनल्टी आपको पड़ जाती है, ठीक है जी, यकीनन पड़ जाती है। तो प्रेजेंटेशन का भी ख्याल रखना है, ये तो एग्जामिनर ने कह दिया ऐसे करना है, जो एग्जामिनर ने नहीं कहा वो चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ कि लाइन्स एक एक छोड़ के लिखिए, टेबल वर्किंग को रूलर से टेबल ड्रॉ करके लिखिए। कटिंग ओवर राइटिंग के बारे में भी अगर बात नहीं की भी तो सिर्फ गलत वैल्यू लिखी गई है, आपने एक लाइन डालनी है और उसके आगे या ऊपर या नीचे रिवाइज फिगर लिख देनी है। नेवर ओवर राइट, ओवर राइट कभी ना कीजिए फिगर को, और कभी इस तरह काला करने की जरूरत नहीं है, छुपाने की जरूरत नहीं कि क्या लिखा हुआ था, सिर्फ एक लाइन लगाइए, दैट इज एनफ, डोंट कंसीडर दिस वैल्यू। और साथ उसके अगर आगे जगह है, ऊपर या नीचे जगह है, लाइन छोड़ के लिखा होगा तो जगह होगी आपके पास, वहां पर रिवाइज फिगर लिख दीजिए। तो ये प्रेजेंटेशन की छोटी छोटी बातें होती हैं, इनका ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू इम्प्रेस द एग्जामिनर विद योर प्रेजेंटेशन एंड योर नॉलेज। और मैं फिर बता रहा हूँ, जो चीज़ आता है कीजिए, जो चीज़ नहीं आता उसमें कोई चक्कर चलाने की कोशिश ही ना कीजिए, सिंपली अज्यूम लिखिए फिगर आगे चलिए, एग्जामिनर को ताकि पता लगे क्लियरली कि उसकी जिंदगी आसान रहे। आप उसको बता रहे हैं भाई एक वर्किंग वन में जाकर देख लो, वहां से मैंने कैलकुलेट किया है और ये वैल्यू मुझे नहीं पता थी, मैंने अज्यूम किया, ताकि उसकी जिंदगी आसान रहे, ना कि आप कोई गलत मलत कैलकुलेशन परफॉर्म करने की कोशिश करते रहे। एक मिनट दो मिनट सोचें, समझ आती है कैलकुलेशन, वर्किंग नंबर दीजिए रेफर करके, वर्किंग परफॉर्म कीजिए, नहीं समझ आती अज्यूम कर लीजिए आगे चलिए जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, अब हमें लास्ट जो हमारा टॉपिक है इन्वेंटरी मैनेजमेंट का, उसकी तरफ चलना है। प्रोबेबिलिटीज, हमने आखिरी जो कॉस्ट डिस्कस की थी दैट वाज स्टॉक आउट कॉस्ट, हमने इसका हल निकाला था कि स्टॉक आउट कॉस्ट को रिड्यूस करने का एक तरीका है कि आप रीऑर्डर लेवल सेट कर लें। फिर मजीद हमने इसमें बात की थी कि अगर डिमांड या यूजेज में या दोनों में वेरिएशन है, ऊंच नीच है, मिनिमम मैक्सिमम वाला केस है, तो आप सेफ्टी स्टॉक भी मेंटेन कर लो। जैसे हमने बात की थी, हमारा गुजारा तो एवरेज यूजेज ड्यूरिंग एवरेज लीड टाइम से हो जाता है, एवरेज यूजेज ड्यूरिंग एवरेज लीड टाइम, उससे हमारा गुजारा हो जाता है, लेकिन हम एहतियातन मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम पर रीऑर्डर लेवल ले जाते हैं। By doing so, we build up safety stock. हमने emergency usage के लिए कुछ stock अपने पास रख लिया, ये किया था ये हमने, वो क्यों रखा हमने कि भाई स्टॉक आउट होने का चांस ही जीरो हो जाए। अब होता क्या है, ये बात भी हमारी डिस्कशन में आ चुकी है कि जब हम
सेफ्टी स्टॉक नहीं रख रहे, जब हम सेफ्टी स्टॉक नहीं रख रहे तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट विदाउट सेफ्टी स्टॉक हमारी आती है ऑर्डर साइज बाय 2 इंटू CH, ठीक है जी। लेकिन जब हम सेफ्टी स्टॉक रखते हैं तो फिर एनुअल होल्डिंग कॉस्ट हमारी आती है ऑर्डर साइज बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इंटू CH। और अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा ओपन अप करूं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह भी पढ़ी जा सकती है, ऑर्डर साइज बाय 2 इंटू CH प्लस सेफ्टी स्टॉक इंटू CH, ऐसा ही है। अगर इक्वेशन को ओपन करें तो हम ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं इसको। जब हम सेफ्टी स्टॉक नहीं रख रहे थे तो हमारी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऐसे आ रही थी, जब सेफ्टी स्टॉक आ गया तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन हमारी बदल गई, ये चेंज आया। इस चेंज को मैं थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये बात बनी। अब यहां पे हम क्या देख सकते हैं कि सेफ्टी स्टॉक रखने की वजह से ये कॉस्ट एक्स्ट्रा आ गई, ये कॉस्ट तो वही है ना जो पहले आ रही थी। तो बेसिकली सेफ्टी स्टॉक रखने की वजह से हमें ये होल्डिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ गई, दिस इज एक्स्ट्रा होल्डिंग कॉस्ट विच इज ड्यू टू होल्डिंग सेफ्टी स्टॉक। इसको हम होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं, होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं। होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक क्या है? सेफ्टी स्टॉक यूनिट्स इनटू CH। ये फार्मूला से आप फेमिलियर हैं, इस फार्मूला को मैंने कहा इक्वेशन को ओपन करें तो ये दो चीजें बन जाती हैं। इन दो चीजों को अब हम जब समझें तो इसमें ये कंपोनेंट जो है ये एक्स्ट्रा होल्डिंग कॉस्ट आ गई है सेफ्टी स्टॉक की वजह से, इसको होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक भी कहा जाता है। अब दोबारा हम अपनी डिस्कशन पे चलते हैं। हमने सेफ्टी स्टॉक रखा किस लिए? ताकि हम स्टॉक आउट कॉस्ट को सेव कर सकें। स्टॉक आउट कॉस्ट को सेव करने के लिए आपने जब सेफ्टी स्टॉक रखा तो फिर सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट बढ़ गई, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ गई ना। तो एक कॉस्ट को कम करने के लिए आप दूसरी कॉस्ट इनकर कर रहे हो, एक कॉस्ट को कम करने के लिए दूसरी कॉस्ट इनकर कर रहे हो, तो डिसीजन इतना आसान तो नहीं होना चाहिए। फिर क्या पता सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट आपने 100 रुपया खर्च कर दी है और स्टॉक आउट कॉस्ट में 50 रुपए बच रहे हैं, कोई फायदा है फिर? क्योंकि देखिए हमारा काम तो कोई कसम तो नहीं खाई नहीं हमने कि हमने स्टॉक आउट से बचना है। हम तो स्टॉक आउट से बचना क्यों चाह रहे हैं? ताकि हमारे प्रॉफिट्स बढ़े, यही मकसद था ना हमारा, स्टॉक आउट कॉस्ट को कम करें ताकि हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम रहे और हमारे प्रॉफिट्स बढ़ जाएं। लेकिन अगर 50 रुपए की स्टॉक आउट कॉस्ट बचाने के लिए हमें 100 रुपए की होल्डिंग कॉस्ट यहां लग जाए तो क्या हमारे ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ेंगे? आंसर इज नो। हमारा ख्वाब स्टॉक आउट से बचना नहीं होना चाहिए, जैसा कि हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, हमारा ख्वाब हमारी कोशिश प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना होना चाहिए। और जो एग्जांपल मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि अगर स्टॉक आउट कॉस्ट सेफ्टी स्टॉक रखने से स्टॉक आउट कॉस्ट में 50 रुपए बचे तो 100 रुपया होल्डिंग कॉस्ट पे लगाने का सेफ्टी स्टॉक के कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा तो स्टॉक आउट ही हो जाते। स्टॉक आउट होते तो 50 का नुकसान होता, ठीक है, इस तरह आपने 100 का नुकसान कर लिया। तो ये जनाब इसकी रैशनल है, कभी हम सेफ्टी स्टॉक रखते हैं तो सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है हमें स्टॉक आउट कॉस्ट को बचाने के लिए। अब क्या ये फायदामंद है या नहीं, इसकी डिस्कशन पे हम जाएंगे। मैं इसी केस को मैं थोड़ा रिलेट करूं, हमने भी यहां पे बात की कि हमने कहा जी स्टॉक आउट कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर आप होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक को नीचे ले जाते हो तो स्टॉक आउट कॉस्ट बढ़ती है, ऐसा ही है। लेकिन अगर आप स्टॉक आउट कॉस्ट को नीचे ले जाना चाहते हो तो आपको होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा ही है। स्टॉक आउट कॉस्ट अगर आप होल्डिंग कॉस्ट को नीचे करोगे मतलब सेफ्टी स्टॉक कम करोगे, सेफ्टी स्टॉक कम रखोगे तो स्टॉक आउट होने के चांस बढ़ेंगे, स्टॉक आउट कॉस्ट बढ़ेगी। लेकिन आप चाहते हो मैं स्टॉक आउट कॉस्ट को कम कर लूं, जीरो कर लूं, तो फिर होल्डिंग कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। इन दोनों कॉस्ट में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इसी तरह का इनवर्स रिलेशनशिप हमने स्टॉक मैनेजमेंट में पीछे भी कहीं दो कॉस्ट में पढ़ा था, कहीं कौन सी दो कॉस्ट? एक कॉस्ट को कम कर दो दूसरी बढ़ जाती थी, ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग। ग्राफ याद है ना, ग्राफ बना हुआ था, एक यूं जा रही थी एक यूं जा रही थी। ऑर्डरिंग कॉस्ट का ग्राफ ऐसे था, होल्डिंग कॉस्ट का ग्राफ ऐसे था, ऑर्डर साइज बढ़ाते थे, एक कॉस्ट कम होती थी एक कॉस्ट बढ़ती थी। तो यहां पे भी वही बात है, होल्डिंग सेफ्टी स्टॉक बढ़ाते हो तो ये कॉस्ट बढ़ेगी वो कम हो जाएगी, इसको कम करते तो वो बढ़ जाती है। जस्ट लाइक
ऑर्डरिंग और होल्डिंग का रिलेशनशिप था कि आप ऑर्डर साइज बढ़ाते हो ताकि सालाना ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो, लेकिन ऑर्डर साइज बढ़ाते थे वहां पर तो एवरेज इन्वेंट्री बढ़ जाती थी। तो जो बात हमने वहां पर सीखी थी, हमने हल क्या निकाला था, हमने कहा था जी हमें किसी एक कॉस्ट को कम नहीं करना, हमें तो ओवरऑल टोटल को कम करना है जो कि ईओक्यू पे जाके कम हो रहा था। हमने कहा जी हमें एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम नहीं करना, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट को कम नहीं करना, हमें तो टोटल को कम करना है। तो देखो इन दोनों का सम कहां पे मिनिमम होता है, दैट इज द बेस्ट ऑर्डर साइज। अब यहां पे भी वही बात है कि भाई सेफ्टी स्टॉक रखते हैं तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, स्टॉक आउट कॉस्ट कम होगी। होल्डिंग सेफ्टी स्टॉक नहीं रखते तो होल्डिंग कॉस्ट तो बचेगी लेकिन स्टॉक आउट कॉस्ट बढ़ जाएगी। वही हाल यहां पे है कि भाई हमें किसी एक कॉस्ट को कम नहीं करना, हमें सेफ्टी स्टॉक रखना है या नहीं रखना यह डिपेंड करेगा कि इन दो कॉस्ट का सम एनुअल बेसिस पे मिनिमाइज कहां होता है। इसलिए वहां पे था ना एनुअल बेसिस पे जिस ऑर्डर साइज पे सम मिनिमाइज हो रहा है उस ऑर्डर साइज को फॉलो करो। वही बात यहां पे है कि सेफ्टी स्टॉक के साथ या सेफ्टी स्टॉक के बगैर, या सेफ्टी स्टॉक थोड़ा या सेफ्टी स्टॉक ज्यादा, किस ऑप्शन पे इन दो कॉस्ट का सम मिनिमाइज होता है। जिस ऑप्शन पे इन दोनों कॉस्ट का सम मिनिमाइज है वो सेफ्टी स्टॉक रखने से मिनिमाइज होता है या सेफ्टी स्टॉक ना रखने से मिनिमाइज होता है। जहां पे इन दो कॉस्ट का सम मिनिमाइज होगा वो हमारा ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक लेवल होगा। हमें कितना सेफ्टी स्टॉक रखना है या नहीं रखना वो डिपेंड करेगा कि भाई इन दो कॉस्ट का सम मिनिमाइज कहां पे होता है। हमारे पास की एग्जांपल्स हैं एक दो, तो उनको देखते हैं। इसमें एग्जांपल से जाने से पहले एक चीज ध्यान में रख लीजिए कि हमने, मैं दोबारा एक बार आपको फिर वो पीछे से एक डाटा रिलेट करके ले आऊं। यूजेज हमने अगर डेली गिवन हो और लीड टाइम डेज में हमें गिवन हो, फॉर एग्जांपल यूजेज है ये मैक्सिमम एवरेज मिनिमम, यूजेज है 150, 120, 100, लीड टाइम है 15, 10, 8। हमने जो डिस्कशन की थी कि हमारा गुजारा तो अगर हम रीऑर्डर लेवल 1200 पर रखें तो हमारा गुजारा हो सकता है, लेकिन हमने कहा हम इस केस में जनरली हम रीऑर्डर लेवल यहां पे नहीं रखते, हम यहां पे रख लेते हैं। कितना बनता है 2250। और फिर हमने कहा था जब हम रीऑर्डर लेवल यहां पे रख रहे हैं, गुजारा इससे हो रहा है, तो हम फिर ये सेफ्टी स्टॉक कितना है 1050। हम 1050 का सेफ्टी स्टॉक रख रहे होते हैं। बेसिकली अब हम बात क्या कर रहे हैं कि हम रीऑर्डर लेवल ये भी रख सकते हैं। रीऑर्डर लेवल 1200 पे रखते हैं तो कभी ना कभी स्टॉक आउट होने का चांस रहेगा, लेकिन रीऑर्डर लेवल हम 2250 पे ले जाते हैं, 1050 सेफ्टी स्टॉक रख लेते हैं, तो फिर हम कभी स्टॉक आउट नहीं होंगे। लेकिन स्टॉक आउट नहीं हुए, स्टॉक आउट कॉस्ट तो बची, लेकिन सेफ्टी स्टॉक ऐड होने से होल्डिंग कॉस्ट बढ़ गई। तो ये है स्टोरी जिसके हम बात करने जा रहे हैं। हमसे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल क्या है, 1200 पे रीऑर्डर लेवल रखना या 2250 पे रखना। दोनों ऑप्शन है ना हमारे पास। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर हम रीऑर्डर लेवल 1200 पे रखते हैं तो बहरहाल स्टॉक आउट होने का चांस रहेगा। सेफ्टी स्टॉक तो हमने मेंटेन नहीं किया, सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट हम बचा पाए, लेकिन स्टॉक आउट होने का चांस रहेगा क्योंकि हमारी डिमांड कभी ज्यादा भी हो सकती है, लीड टाइम कभी ज्यादा भी लग सकता है। अगर हम रीऑर्डर लेवल 2250 पे ले जाते हैं, मतलब हम 1050 का सेफ्टी स्टॉक भी इसमें डाल देते हैं, तो फिर हमारे स्टॉक आउट होने के चांस जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा जा सकता है कि आपको रीऑर्डर लेवल 1200 पे रखना है या 2250 पे रखना है, आपके लिए फायदामंद क्या है। और असूल वही रहेगा, इन दोनों ऑप्शंस पे हम दिस प्लस दिस सम देखेंगे। इस ऑप्शन पे स्टॉक आउट कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक क्या है, इस ऑप्शन पे स्टॉक आउट कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक क्या है। जिस ऑप्शन पे, जिस रीऑर्डर लेवल के ऑप्शन पे इन दोनों का सम मिनिमाइज होगा, हम वो रीऑर्डर लेवल रिकमेंड करेंगे। हम कह सकते हैं रीऑर्डर लेवल 1200 जीरो सेफ्टी स्टॉक, हम कह सकते हैं रीऑर्डर लेवल 2250 मतलब 1050 का सेफ्टी स्टॉक। ये दोनों में से कौन सी ऑप्शन बेहतर है, दोनों ऑप्शंस के लिए हम ये दो कॉस्ट का सम करेंगे, जहां पे सम मिनिमम होगा उस ऑप्शन को हम प्रेफर करेंगे। जी दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द होल टॉपिक जो हम थोड़ा सा आगे करने जा रहे हैं। कोई चीज समझ नहीं आई पूछिए। अच्छा, हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं
और उसके बाद इन कॉस्ट की कैलकुलेशन पे बात करेंगे। इलस्ट्रेशन है पेज 125 पे नंबर 16, पेज 125 पे इलस्ट्रेशन नंबर 16 है। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट सबसे पहले सजेस्ट वेदर आर रीऑर्डर लेवल ऑफ 180 और 200 यूनिट्स वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। हम रीऑर्डर लेवल 180 पर रखें या 200 पर रखें, बिल्कुल वही बात है जैसे मैंने भी आपके सामने कहानी रखी थी कि 1200 पर रखें या 2250 पर रखें, उसी तरह हमें दो ऑप्शन दी गई है। रीऑर्डर लेवल 180 पर रखना है या 200 पर रखना है, कंपनी के लिए बेहतर क्या है। डेटा देखते हैं जी। ज़ीशान लिमिटेड यूजेस आइटम एम इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। It purchases item M from an external supplier in batches. For item M, following information is relevant. Holding cost, rupees 30 per unit per year. Stock out cost per unit, rupees 10 for each stock out. मतलब आपके पास स्टॉक खत्म होगा तो एक यूनिट ना बेच सकने की वजह से आपको 10 रुपए का नुकसान होता है। स्टॉक आउट कॉस्ट से मुराद यहां पे हम लॉस ऑफ प्रॉफिट समझ सकते हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट, बल्कि इसको हम लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन इज मोर अप्रोप्रिएट, मुझे कहना लिखना चाहिए लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन। स्टॉक आउट कॉस्ट कैन बी मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक यूनिट पे आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, और अगर स्टॉक आउट हो जाओगे तो एक यूनिट ना बेचने से वो कंट्रीब्यूशन नहीं कमा पाते आप, तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी हो दिया जा सकता है। एग्जामिनर इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी कह सकता है, इसको स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट भी कह सकता है, समझ लीजिए। क्योंकि एक अगर आप स्टॉक आउट होते हो और एक यूनिट नहीं बेचोगे तो एक यूनिट से जो कमाना था आपने, दैट अर्निंग विल बी लॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आपका लूज हो जाएगा एक यूनिट ना बेचने से। लेट्स अज्यूम अगर एक यूनिट बेचकर 10 रुपए कमाते हो तो एक यूनिट ना बेचने की वजह से स्टॉक आउट हुए, एक यूनिट नहीं बेचा तो 10 रुपए आपका नुकसान होगा। लीड टाइम 1 वीक है। ईओक्यू 540 यूनिट्स है। ज़ीशान लिमिटेड ऑपरेट्स फॉर 48 वीक्स ईच ईयर। वीकली डिमांड फॉर यूनिट एम फॉर प्रोडक्शन इज वेरिएबल एज फॉलोज। यूनिट्स डिमांडेड ड्यूरिंग द लीड टाइम, लीड टाइम जो कि एक हफ्ता है, एक हफ्ते में हमें कितनी की जरूरत पड़ सकती है, वेरिएशन है, और इसके साथ प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है। हम जब बात करते हैं कि भाई इनमें से कौन सा रीऑर्डर लेवल बेहतर है, तो उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटीज क्वेश्चन में दी जाएंगी, उसके बाद इसके बगैर ये सवाल ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। जब भी इस तरह की रिक्वायरमेंट आएगी कि कौन सा रीऑर्डर लेवल इनमें से बेहतर है, तो इस तरह के डाटा में क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज दी जाती हैं। जैसे यहां पे उसने कहा कि लीड टाइम तो एक वीक पे फिक्स है, लेकिन यूजिंग ड्यूरिंग लीड टाइम मे वेरी विद द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटीज आपने क्यों हमें पढ़ी है, सही है। तो इसको अगर देखिए, ये 100 का ब्रेकअप होता है। ये हमें बता क्या रहा है कि अगर हम 100 दफा ऑर्डर प्लेस करेंगे ना, 100 दफा ऑर्डर प्लेस करेंगे एक साल में, तो हम 100 लीड टाइम गुजारेंगे, ऐसे ही है। जब ऑर्डर प्लेस किया, लीड टाइम गुजरा, फिर ऑर्डर डिलीवर हुआ, फिर ऑर्डर प्लेस किया, फिर लीड टाइम गुजरा, ऑर्डर आया। 100 दफा अगर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 10 दफा लीड टाइम में 140 यूनिट्स इस्तेमाल होंगे, 20 दफा 100 में से 160 इस्तेमाल होंगे, 30 दफा 100 लीड टाइम्स में से 180 इस्तेमाल होंगे, और 40 दफा 100 लीड टाइम गुजारे हमने उसमें से 200 यूनिट्स इस्तेमाल होंगे। दिस इज द इंफॉर्मेशन। अब हमसे पूछा जा रहा है री ऑर्डर लेवल ऑफ 180 और 200 यूनिट्स वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। हमने पढ़ा है कि हमने जब दो री ऑर्डर लेवल्स को असेस करना है कौन सी ऑप्शन बेहतर है, तो उसका तरीका हमने पढ़ा था, हम हर ऑप्शन के लिए स्टॉक आउट कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक मेजर करेंगे। तो सेफ्टी स्टॉक कैसे निकलता है, रीऑर्डर लेवल एवरेज यूजेज एवरेज लीड टाइम, ठीक हो गया जी। तो हम सबसे पहले यहां पे एवरेज यूजेज एस्टैब्लिश करते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि जब आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ वैल्यूज दी जाएं तो एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, एंड देन द सम। एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका आपका क्या बनता है, तो जनाब हम यहां से एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम सबसे पहले बनाते हैं। हमें सबसे पहले एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम चाहिए, एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम इज 140
इंटू 10% प्लस 160 का 20% प्लस 180 का 30% प्लस 200 का 40%। तो बताइए जनाब एवरेज यूजेज क्या है? 180 यूनिट्स। एवरेज यूजेज हमारा 180 यूनिट्स है और मैक्सिमम यूजेज हमारा 200 है। मैक्सिमम यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम 200 है, एवरेज यूजिंग ड्यूरिंग लीड टाइम 180 है। ठीक है, मैं यहां पे फिर नोट कर देता हूं, ये एवरेज यूजेज हमारा 180 आ गया और मैक्सिमम यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम इज 200 यूनिट्स। और हमसे अब उसने सवाल क्या पूछा है कि आपको रीऑर्डर लेवल 180 पे रखना है या 200 पे रखना है? इसका क्या मतलब है? सेफ्टी स्टॉक 0 रखना है या सेफ्टी स्टॉक 20 यूनिट्स का रखना है? यही बात बनी ना, क्योंकि हम या हमने बात यही दिखी थी कि हम अपना रीऑर्डर लेवल एवरेज यूजेज पे भी रख सकते हैं, लेकिन एवरेज यूजेज पे रखेंगे तो कभी ना कभी डिमांड एवरेज यूजेज से बढ़ भी जाती है, हम स्टॉक आउट होने का चांस रहेगा। दूसरी ऑप्शन यह है कि हम अपना रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम यूजेज पे ले जाएं बाय मेंटेनिंग सेफ्टी स्टॉक। तो रीऑर्डर लेवल 180 पे भी रखा जा सकता है, रीऑर्डर लेवल 200 पे भी रखा जा सकता है बाय मेंटेनिंग 20 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक। हमसे पूछा जा रहा है बेहतर क्या है, हमसे पूछा जा रहा है बेहतर क्या है दोनों ऑप्शन में। तो जनाब हमने अभी जो डिस्कशन की थी, हमने कहा था कि हम इन दोनों में से कौन सी बेहतर ऑप्शन है, उसके लिए हम दो कॉस्ट का सम लेंगे, एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट और होल्डिंग सेफ्टी स्टॉक। एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट, एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग सेफ्टी स्टॉक अंडर टू ऑप्शन, दो ऑप्शन जो हमारे पास हैं जिनको हमने वैल्यूएट करना है। हमें जो दो ऑप्शन अवेलेबल हैं हमसे कहा जा रहा है कि हम रीऑर्डर लेवल 180 पे रखें या 200 पे रखें। और रीऑर्डर लेवल 180 पे रखें या 200 पे रखें, इसका मतलब क्या है? अब एज रिगार्ड टू मेन सेफ्टी स्टॉक, हम सेफ्टी स्टॉक 0 पे रखें या 20 पे रखें, एक ही बात है ना ये? तो ये जनाब इन दो ऑप्शन को हमें वैल्यूएट करना है। और हमने तरीका क्या सीखा वैल्यूएट करने का, इन दोनों ऑप्शन के लिए हम रीऑर्डर लेवल 180 पर रखें, इसका मतलब 0 सेफ्टी स्टॉक रखें, ये हमें यहां से पता लग रहा है। हम रीऑर्डर लेवल 200 पर रखें, मतलब हम 20 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखें, वो हमें यहां से पता लग रहा है। तो हमने कहा जी इन दोनों ऑप्शंस पे ये दो कॉस्ट का सम कैलकुलेट करेंगे और फिर हम देखेंगे टोटल टोटल कहां पे मिनिमम आ रहा है, टोटल कहां पे मिनिमम आ रहा है अंडर दीज टू हेड्स। जिस ऑप्शन पे इन दोनों कॉस्ट का टोटल मिनिमम होगा वो ऑप्शन हम रिकमेंड करेंगे। अच्छा जी, पहले मैं इस ऑप्शन की बात कर लेता हूं, ये जरा ऑप्शन सिंपल है, इसमें मैं कुछ ज्यादा सीखना नहीं है। अगर मैं रीऑर्डर लेवल 200 पे रखता हूं, क्या मैं कभी भी स्टॉक आउट होऊंगा? नेवर। इसका मतलब मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट विल बी 0, क्योंकि मेरी डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम 200 से ऊपर तो जाती नहीं है ना। मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम जिसके 40% चांसेस है वो 200 है। अगर मैंने रीऑर्डर लेवल 200 पे रख दिया, आई विल नेवर गेट स्टॉक आउट, मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट 0 रहेगी। लेकिन अगर मैं रीऑर्डर लेवल 200 पे रखता हूं तो आई एम मेंटेनिंग सेफ्टी स्टॉक, तो मेरी होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक लगेगी ना। और होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक कैसे कैलकुलेट की जाती है? ये जनाब सेफ्टी स्टॉक इनटू सीएच, होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। अब यहां पे ख्याल रखना ये इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट नहीं है, इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट तो ऐसे ली जाती है। हम यहां पे डिस्कशन में क्या ला रहे हैं? होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक, जो ये कंपोनेंट है। इसमें दो हिस्से हैं कॉस्ट के, एक ऑर्डर साइज बाय 2 इनटू सीएच और एक सेफ्टी स्टॉक इनटू सीएच। ये जो कंपोनेंट होता है ये होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक है। तो हमें होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक चाहिए, तो जनाब होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक इस केस में बनता है 20 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक है और सीएच इज 30 पर यूनिट पर ईयर, इट इज 600। तो इस ऑप्शन में टोटल कॉस्ट आ गई 600। ठीक है जी, तो रीऑर्डर लेवल 200 पे रखें, मतलब सेफ्टी स्टॉक 20 यूनिट्स का रखें, तो इन दो हेड्स में सालाना कॉस्ट आपकी 600 है। अब अगर आप रीऑर्डर लेवल 180 पे रखें तो सेफ्टी स्टॉक कितना है? तो इसका मतलब होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक इज
जब सेफ्टी स्टॉक ही है तो होल्डिंग कॉस्ट कहां से है, जीरो होगी। लेकिन यहां पे अब स्टॉक आउट होने का चांस तो है, यहां पे स्टॉक आउट होने का चांस है हमारे पास। अच्छा, जब ये स्टॉक आउट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको मैं एक वर्किंग से सिखाता हूं आपको। स्टॉक आउट कॉस्ट चार फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। स्टॉक आउट कॉस्ट की कैलकुलेशन में चार फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। वो चार फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट से, मैं एब्रीवेट कर रहा हूं एसओ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट से, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम यूनिट्स ऑफ स्टॉक आउट से, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट से। मैं इसको वन बाय वन ये वैल्यूज कैलकुलेट करते जाते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। और ये बॉटम पे इन चारों को मल्टीप्लाई करके जो हमें फिगर मिलती है, दिस इज कॉल्ड एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट। तो ये चार वैल्यूज हैं जी, एक, दो, तीन और चार। ये चार वैल्यूज लाएंगे तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट आएगी। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर मेजर करते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर कैसे निकालते हैं? एनुअल यूजेज डिवाइडेड विद ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज तो क्वेश्चन में रेडीली अवेलेबल है 540। एनुअल यूजेज हमें क्वेश्चन में रेडीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। हमें एवरेज यूजेज पता है 180 पर वीक, और साल में वीक्स कितने हैं? 48। तो जनाब नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर 180 इंटू 48 ओवर 540। ऑर्डर्स एनुअल डिमांड ओवर ऑर्डर साइज कितना जी? 16। हम साल में 16 ऑर्डर प्लेस करेंगे। एनुअल डिमांड, वीकली एवरेज यूजेज इंटू वीक्स इन अ ईयर, तो ये जनाब हमारी सालाना यूजेज आ गई। एनुअल यूजेज ओवर ऑर्डर साइज, तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया। हम साल में 16 ऑर्डर प्लेस करेंगे। हम ख्याल कीजिएगा, हम डिस्कशन किस केस को कर रहे हैं? हम डिस्कशन कर रहे हैं इस केस की, ऐसे ही है। हम साल में जब हमारे पास 180 यूनिट्स रहेंगे, 16 ऑर्डर प्लेस किया करेंगे। तो जनाब हम स्टॉक आउट हो सकते हैं या नहीं, जब हम रीऑर्डर लेवल 180 पर रखेंगे? हो सकते हैं। हम स्टॉक आउट कब होंगे? जब डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम 180 से ज्यादा हो जाए। हमने रीऑर्डर लेवल 180 पर रखा हुआ है, हम 180 यूनिट्स रह गए, ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो हम एक ही सूरत में स्टॉक आउट होंगे, जब डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम 180 से ज्यादा हो। तो क्या डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम 180 से ज्यादा होती है? यस, लीड टाइम में डिमांड 200 तक जाती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब हमारे स्टॉक आउट होने की प्रोबेबिलिटी 40% है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट 40%। साल में 16 ऑर्डर करेंगे, 16 ऑर्डर्स में से 40% ऑफ द टाइम्स हम स्टॉक आउट हुआ करेंगे। 40% ऑफ द टाइम हम स्टॉक आउट हुआ करेंगे, ये लिखा हुआ ना हमारे पास। अच्छा जी, जब भी स्टॉक आउट होंगे, हम कितने यूनिट्स से स्टॉक आउट होंगे, मतलब कितने यूनिट्स नहीं बेच पाएंगे? हमने रीऑर्डर लेवल 180 पर रखा, डिमांड 200 की होगी, हम 20 यूनिट्स नहीं बेच पाए। सो यूनिट्स ऑफ स्टॉक आउट 20 हैं, और एक यूनिट ना बेचने से कितना नुकसान होता है? 10। लीजिए जनाब, मल्टीप्लाई करें इन वैल्यूज को, तो आपका आंसर इज 1280 रुपीज। मतलब एवरेज से, बेटा 180 तक अगर डिमांड रहती है तो हम स्टॉक आउट नहीं होते। हम स्टॉक आउट तब होंगे जब डिमांड 180 से बढ़ जाएगी। तो 180 से बढ़ती है मतलब 200 पे जाएगी, बेटा 180 पे तो हम स्टॉक आउट हो ही नहीं रहे। हम स्टॉक आउट कब हो रहे हैं? जब डिमांड 180 से ज्यादा होगी। तो 180 से ज्यादा होने का मतलब 200 पे जाए, 200 पे जब डिमांड जाती है फिर हम स्टॉक आउट होते हैं। तो 200 पे डिमांड जाने की प्रोबेबिलिटी क्या? दैट इज आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट, क्योंकि डिमांड 200 पे जाएगी तो हम स्टॉक आउट होते हैं। ठीक है, डिमांड 180 तक है, डिमांड 140 पे है कोई मसला नहीं, वहां हमारे पास 180 पड़े हुए हैं। डिमांड 160 पे है कोई मसला नहीं, हमारे पास तो 180 पड़े हुए हैं। डिमांड 180 पे जाती है फिर भी कोई मसला नहीं, मतलब 10 और 20 और 30 60% चांस है कि हम स्टॉक आउट नहीं होंगे।
हम स्टॉक आउट सिर्फ तब होंगे जब डिमांड 200 पे जाएगी, और 200 पे डिमांड जाने की प्रोबेबिलिटी, 200 पे वीक में डिमांड जाने के चांस 40% है। इसका मतलब 40% चांसेस है कि हम स्टॉक आउट होंगे। तो एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट 1280, इसका सम बना 1280। तो जहां पे सम मिनिमम है वो बेहतर है। रिकमेंडेड क्या है कि हमें रीऑर्डर लेवल 200 पे रखना चाहिए, क्योंकि 200 पे रीऑर्डर लेवल रखते हैं तो हमारी एनुअल कॉस्ट अंडर दीज टू हेड्स मिनिमम आती है। बेटा सेफ्टी स्टॉक 200 पे हमने इसलिए 20 का कहा है क्योंकि ये एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम है, ये मैक्सिमम यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम है। सेफ्टी स्टॉक क्या होता है? मैक्सिमम यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम माइनस एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम, 20 यूनिट्स सेफ्टी स्टॉक। बेटा अगर हमने री ऑर्डर लेवल 200 पे रखा है, इसका मतलब है कि हमने 20 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखा हुआ है। अगर हमने री ऑर्डर लेवल 180 पे रखा हुआ, री ऑर्डर लेवल क्या होता है? रीऑर्डर लेवल क्या होता है? यूनिट्स इन हैंड व्हेन न्यू ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड। 180 यूनिट्स आपके पास रहे तो ऑर्डर प्लेस करते हो तो सेफ्टी स्टॉक जीरो है, क्योंकि 180 तो आपकी एवरेज यूजेज है। आप कहते नहीं मैं 200 यूनिट्स जब मेरे पास रह जाएंगे तब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा, तो आपने 180 से 200 पे गए, 20 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रख लिया है। सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम माइनस एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम। ये 20 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक है। आपने स्टॉक आउट होने के चांस को जीरो करने के लिए 200 पे अपना रीऑर्डर लेवल ले गए, आपने 20 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक ऐड कर लिया। और ये जी दो कॉस्ट हमने कहा जी, हम जब दो ऑप्शन आ जाए तो हम इन दो कॉस्ट का सम लेते हैं, जहां पे इन दो कॉस्ट का सम मिनिमम होगा जिस ऑप्शन पे, उस ऑप्शन को हम रिकमेंड करते हैं। इसकी एक रेप्लिका एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 17 रेप्लिका है। That is your home assignment. वो आप खुद करेंगे, सिर्फ वैल्यूज बदली हुई हैं, डिटो चीजें हैं सब कुछ, हाँ एक रिक्वायरमेंट भी बदली हुई है उसमें। यहां पे उसने कहा रीऑर्डर लेवल बताओ बेहतर क्या है, वहां पे कह रहा है सेफ्टी स्टॉक बताओ बेहतर क्या है। तो रीऑर्डर लेवल या सेफ्टी स्टॉक क्या फर्क पड़ता है? प्रेजेंट ऐसे ही होना है, प्रेजेंटेशन डिटो ये रहेगी। बस होगा क्या, आज फाइनल में आंसर में ना ये 200 की जा रही बताओगे, आंसर कहोगे सेफ्टी स्टॉक ऑफ 20 यूनिट्स इज बेटर। सिर्फ ये जवाब में फर्क पड़ना है। इलस्ट्रेशन 17 बिल्कुल सेम कैलकुलेशन आपने परफॉर्म करनी है, इसी तरह परफॉर्म करनी है। आखिर में जवाब सिर्फ आपने ये 200 की जगह सेफ्टी स्टॉक को बताना है। भाई सेफ्टी स्टॉक हमें 20 यूनिट का रखना चाहिए, यहां पे भी पूछ सकता था कि सेफ्टी स्टॉक जीरो का रखना है या 20 का रखना है। दैट इज योर होम असाइनमेंट। इसके बाद हमारे पास कार्बन दो कम से कम जरूर सवाल हैं पेपर के, पास पेपर के, कल इंशाअल्लाह हम उनको डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन 17 में जो इशू होगा उसको रिवाइज करेंगे, और फिर दो पास पेपर के क्वेश्चन है इसी एजेंडा पे, जो कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है, एक बेसिक क्वेश्चन है एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है। तो दो क्वेश्चन इंशाअल्लाह हम करेंगे, इलस्ट्रेशन 17 आप फैसला करके हैं, जो इशू होगा उसको भी डिस्कस करेंगे, और फिर आगे भी इंशाअल्लाह चलेंगे। कल शायद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।